स्टूडेंट, ये लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। नीचे जो रियल नंबर्स गिवन है, इनके इनके एडिटिव इनवर्स भी बताना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बताना है। क्या बताइए? फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। तो पहला पार्ट है 3। एक पार्ट को समझ लें तो बाकी पार्ट वैसे ही होंगे। पहला पार्ट 3 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर किसी भी नंबर एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताने, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको जमा करने पर जीरो आ जाए। मिसाल के तौर पर ये 3 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 3 में क्या प्लस करें कि जवाब में जीरो आ जाए, क्या जवाब में जीरो आ जाए, तो जो भी नंबर आप इस 3 में प्लस करके जीरो लेकर आएंगे वो नंबर एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जब उसे प्लस किया जाए तो जवाब में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा था, जिन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर ऑफ एडिशन देखा है वहाँ इस चीज़ों को समझाया गया बड़ी तफसील से और मिसालों के जरिए। नहीं तो वीडियो देखें जाके वहाँ पर, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो 3 में प्लस करेंगे किसको? अब मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे किसको प्लस करेंगे, -3 को, क्योंकि 3 -3 से कट जाएगा तो जवाब में जीरो आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा इसका, 3 का एडिटिव इनवर्स स्टूडेंट -3 होगा, तो जवाब ये होगा। सॉल्यूशन में आपने इस तरह जवाब लिखना, होमवर्क अपना कॉपी पे, एडिटिव इनवर्स -3 होगा। रीजन यहाँ पे दे दिया, क्योंकि 3 में जब -3 को जमा करते हैं तो जवाब क्या आता है, जीरो आता है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर है कि जब उसको प्लस किया जाए तो जवाब में जीरो आना चाहिए। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3, ज्यादा देन पे जोर मत डालें। वह किसी भी नंबर में उसका नेगेटिव नंबर या अपोजिट साइन के साथ नंबर प्लस कर दें तो उसको फिर एडिटिव इनवर्स बोलेंगे, ठीक है। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 है, इसी तरीके से -3 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा। चलें, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अगला पार्ट देखें, इसमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं इसको भी संभाल लें प्लीज। वॉट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, उसके बाद कह रहे हैं कि इसी 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी बताओ। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर बताएं, किसका, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो आप इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जवाब में 1 आना चाहिए। तो आप समझ गए कि 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर 1/3 होगा, क्योंकि 3 का जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में 1 आ जाता है, 3 से कट जाता है। फिर से, किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है कि जब उसे मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब में 1 आना चाहिए। तो 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर स्टूडेंट क्या होगा, 1/3 होगा। क्या होगा, ये जवाब आ गया। रीजन यहाँ दे दिया, क्योंकि 3 को जब 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब में क्या आता है, 1 आता है। नहीं समझे बात को, 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें यहाँ पर 3 से कट जाएगा तो जवाब में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये जो मैं हाईलाइट करके आप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये आपने हाईलाइटिंग नहीं करनी, आपका तो होमवर्क तैयार है, आपने स्टिल करके वीडियो को लिख लेना है, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो फिर प्ले करके सुन लेना है, डेट्स इट, इतना सा काम है। उसके बाद देखें, जिसकी अब सारे पार्ट इसी तरह होंगे, अब आप खुद कर सकते हैं, बल्कि वीडियो को बंद कर दें और खुद करें। -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा बताइए, जो रूल समझाया उसके मुताबिक -7 का एडिटिव इनवर्स नंबर कौन सा नंबर होगा, +7 होगा, क्योंकि -7 में +7 जमा करेंगे तो जवाब में क्या आएगा, 0 आएगा। तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7 हो गया। इस तरह मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी -7 का रेसिप्रोकल ले लो, -1/7, क्योंकि -7 को जब -1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में 1 आना चाहिए। तो -7 का एडिटिव इनवर्स +7 हुआ और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1/7 होगा, क्योंकि -माइनस प्लस हो जाएगा और 7 से कट जाएगा, नहीं, -माइनस प्लस हो गया और 7 से कट गया, तो जवाब में +1 आना चाहिए। ये शर्त ही होती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के लिए। 0.3 देखें, 0.3 का क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो देखें यहाँ पर 0.3 का एडिटिव इनवर्स तो आप समझ गए, +0.3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स -0.3 होगा, क्योंकि 0.3 में -0.3 ऐड करेंगे तो जवाब में 0 आना चाहिए, ओके। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स नंबर क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल ले लो, 1/0.3, क्योंकि जब 0.3 को 1/0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.3 और 0.3 से कट जाएगा तो जवाब में 1 आ गया। सेम वही रूल सब पे अप्लाई होगा, माइनस का रूट 5/5 देखिए यहाँ पर, क्या
इसका एडिटिव इन्वर्स नंबर क्या होगा स्टूडेंट, इसका एडिटिव इन्वर्स नंबर होगा यही होगा, लेकिन साइन अपोजिट कर लें, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रूट फाइव अपॉन फाइव, ये डायरेक्ट तरीका है समझने का। तो इसका एडिटिव इन्वर्स यही नंबर है अपोजिट साइन के साथ, क्योंकि माइनस रूट फाइव अपॉन फाइव में जब आप प्लस करेंगे रूट फाइव अपॉन फाइव तो क्या होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जवाब में क्या आ जाएगा, दोनों कटने के बाद जवाब में जीरो आ जाएगा। ये एडिटिव इन्वर्स की शर्त होती है। और मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स नंबर कैसे निकालेंगे वो तो आप समझ ही गए, कैसे मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के लिए इसी का रेसिप्रोकल ले लें, तो माइनस रूट फाइव अपॉन फाइव का रेसिप्रोकल माइनस का फाइव अपॉन रूट फाइव होगा, उलट दें रकमों को। क्यों, क्योंकि जब माइनस रूट फाइव अपॉन फाइव को रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में वन आना चाहिए और वन आ जाएगा, कैसे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, रूट फाइव से कट जाएगा और फाइव फाइव से कट जाएगा, और माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस वन बनाएगा। फिर देखें यहाँ पर नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व है, जिसकी समझ में नहीं आया फिर समझ ले, वो कैसे होगा, नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व का एडिटिव इन्वर्स नंबर चाहिए। तो देखें यहाँ पर क्या है, एडिटिव इन्वर्स नंबर यही नंबर होगा नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व, लेकिन साइन अपोजिट होगी, प्लस नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व था तो माइनस में होगा, क्योंकि नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व में जब प्लस करेंगे माइनस का नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व तो जीरो आना चाहिए, तो प्लस का नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व माइनस नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व से कट के जीरो बनाएगा, नहीं समझे आपको, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रकमें कट जाएंगी, जवाब में जीरो आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स नंबर क्या होगा वो तो आप समझ ही गए, क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स यही नंबर होगा, लेकिन ये तो नहीं, रेसिप्रोकल होगा इसका, तो नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व का रेसिप्रोकल क्या होगा, रूट ट्वेल्व अपॉन नाइन, पलट दें नंबरों को, क्योंकि जब नाइन अपॉन रूट ट्वेल्व को इसके रेसिप्रोकल नंबर रूट ट्वेल्व अपॉन नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में वन आ जाएगा, नहीं समझे बात को, देखें यहाँ पे नाइन नाइन से किया और रूट ट्वेल्व से किया तो वन आ गया, तो दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है। लास्ट बट नॉट लीस्ट छठा है, एडिटिव इन्वर्स जीरो का बताइए, बुक में इसके जवाब पे मुझे एतराज है, एडिटिव इन्वर्स इसका जीरो का जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो में जीरो प्लस करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो का एडिटिव इन्वर्स खुद जीरो होता है, क्योंकि जीरो में जीरो प्लस करने पर जीरो आता है। और याद रखिएगा जो जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स है वो पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट, जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी वजह क्या है वो भी सुन लें, ये जवाब तो यहाँ खत्म हो गया। जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जीरो के रेसिप्रोकल से, तो जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो होगा, जो एक अनडिफाइंड फॉर्म है, यानी ये इन्फिनिटी कहलाता है, क्या कहते हैं इसको, इन्फिनिटी कहते हैं। लिहाजा आप याद करें, जिन्होंने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर वाली वीडियोस देखी हैं उसमें इस तरह के केसेस को वहाँ बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि जब भी किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, तो वो जो है कंडीशन फिर लागू नहीं होती प्रॉपर्टीज पे, याद रखिएगा। तो जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स नंबर वन अपॉन जीरो मुमकिन नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है, यही वजह है कि हम लिख देते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स ऑफ जीरो डज नॉट एग्जिस्ट। बुक में इन्होंने वन अपॉन जीरो आंसर लिखा हुआ है, जो मैं नहीं समझता कि सही जवाब है, उसको सही करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की क्लासेस में बात समझाई जाती है कि जीरो का मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपनी दुआओं में हमेशा याद रखा करें। खुदा हाफिज़, मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, 1.2 एक्सरसाइज के साथ ही अपने इख्तिताम को पहुँच गई, अल्हम्दुलिल्लाह।